शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जो आदमी दूध को भूल सकता है उसे रोटी कैसे याद रह सकती है? बड़ी साईं, हमारी तकदीर का सारा तस्वीर दिखाओ नी। नो इफ एंड नो बट। अब आप ये कहेंगे कि आपने मेरी जान बचाई। अमर बेटे, अलार्म लगाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और सो लेते। विनोद और अशोक के हॉस्टल जाने का टाइम हो गया ना माँ। अरे उन्हें तो मैं तैयार कर दूंगी, तू और थोड़ी देर सो ले। देखो माँ, आपको इतना सारा काम करना है, मुझे मालूम है आज आपको ये सारे कपड़े सीकर देने हैं। मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए। चाय गरम, चाय पियो भैया, ये लो। थैंक यू। चाय लो। थैंक यू। तुम हमें म्यूजिक सुना करके उठाते हो? डैडी कहते थे कि बादशाह अकबर को तानसेन संगीत सुनाकर जगाता था, मैं तो रेडियो सुनाकर जगाता हूँ। अच्छा अच्छा, अब यहाँ ना कोई अकबर है और ना ही ये तानसेन। तुम दोनों जल्दी चाय पीकर तैयार हो जाओ, ठीक 7 बजे रिक्शा आ रही है, समझे? ओके मम्मी। भोपो भोपो भोपू महाराज आ गए, चलो रिक्शा आ गया, चलो फटाफट। लीजिए अंकल चाय। अरे वाह, इतने जल्दी तो मंदिर में भी प्रसाद नहीं मिलता और यहाँ चाय फटाफट। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी, आप सचमुच नसीब वाली हैं जो इतना अच्छा बेटा मिला। नसीब वाला तो मैं हूँ जिसे इतनी अच्छी माँ मिली है। अरे वाह माँ, तैयार हो गए, चल नाश्ता कर लो। बेटा चाय बहुत अच्छी थी, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं इनका सामान बैग में भरने जा रहा हूँ, टाइम बच जाएगा। अरे पहले नाश्ता तो कर ले, मैं नाश्ता बाद में कर लूंगा। तू जरूर पिछले जन्म में इनकी माँ रहा होगा। तुम्हारे डैडी की बड़ी इच्छा थी कि तुम दोनों पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बनो। डैडी को प्रणाम करो। और सर झुकाओ। ये क्या शीला, अरे तुम जा गई? शीला मैं सोई कहाँ थी, मैं तो जागी हुई थी। चलो चलो अब डरो मत, देर हो रही, चलो। देखो भैया इनको संभाल कर ले जाना और हॉस्टल के अंदर तक पहुँचाना। आप चिंता ना करें, मैं इनको कमरे के अंदर तक पहुँचा के आऊंगा। तुम लोग पढ़ाई करना, ज्यादा सोना मत। चलो बच्चे, चलो चलो बैठो बैठो बैठो, चलो बेटा आजा आजा। माँ पहले चाय पी लो। तुम भी तो पी लो। नहीं माँ, मैं जाने का टाइम हो गया है, सुबह उठते ही लोगों को अखबार में जाना चाहिए ना। और माँ मैं अखबार की 200 कॉपियाँ बेच लेता हूँ। अच्छा माँ, तुम दोपहर को बाजार मत जाना, मैं उधर से सब्जी लेता आऊंगा। और शाम को जब मैं गैरेज में काम करने जाऊंगा ना, तो उधर से दाल चावल लेकर आऊंगा। अरे हाँ माँ, ये कल के 8 रुपए, ये लो। जाने ये घर में कैसे चलाती? शारदा, शारदा, कौन है ये? हमारी कंपनी में चपरासी है ना रामू, ये उसी का बेटा है। रामू और उसकी बीवी दोनों मकान की छत के नीचे दबकर ये अनाथ हो गया बेचारा, कोई नहीं इसका। कंपनी के मालिक ने कहा इसे अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ा, तो मैं इसे वहीं ले जा रहा था, सोचा तुमसे भी मिलता जाऊं। तुम भी अजीब बाप हो, लोगों ने कहा कि इसे अनाथाश्रम ले जाओ तो तुम भी उसे वहीं पहुंचाने लगे। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, एक और खापी लेगा तो क्या बता जाएगी?
भी यही रहेगा। भाई अब तुम कहती हो तो इसे यहीं रख लेते। ओह, जैसे सचमुच तुम इसे अनाथ आश्रम ले जाते, इसीलिए मुझसे यहाँ मिलने आए ना। शारदा, दरअसल मैं भी यही चाहता था। अब हम ये कहेंगे हमारे दो नहीं तीन बेटे हैं। इन्होंने तुझे यहाँ लाकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया। डैडी का उपकार मुझ पर है माँ? अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाते तो मेरा क्या होता? क्या होता? जितनी मेहनत तू करता है उस कमाई से तू कहीं भी रह लेता, आराम से खा पी लेता। लेकिन मैं माँ किसको कहता? मेरा राजा। शारदा बहन घर में है। आइए इकबाल भाई, अंदर आइए। सलाम इकबाल भाई। जीती रहो। कैसी हो बहन, सब खैरियत से तो है? हाँ, मिली जी। आप मेरे कपड़े दिए थे वो सब तैयार है, बाकी के कल हो जाएंगे। क्या सोच रहे हैं? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सारे कपड़े तैयार हो जाएंगे। लगता है मशीन चलाते चलाते तुम खुद भी एक मशीन हो गई हो। पता नहीं मैं क्या बन गई हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कपड़ों के साथ साथ मैं अपने उन सपनों को भी जोड़ती रहती हूँ जो टूट गए हैं, बिखर गए हैं। लेकिन अब नहीं बिखरेंगे। हाँ, तुम्हारी मेहनत का धागा इन्हें बिखरने नहीं देगा। और फिर शंकर भैया की नेकी तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारे रुपए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जीते रहो। मम्मी, मम्मी हम दोनों पास हो गए। अच्छा, और ऐसे ऐसे नहीं, ये दोनों फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। शाबाश। और तू? मैं भी फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। मम्मी, मैं कहता था ना कि शीला भी पढ़ने में तेज है। और तेरा क्या हुआ? मैं भी पास हो गया मगर थर्ड क्लास से। तो क्या हुआ, इसका थर्ड क्लास फर्स्ट और सेकंड से भी अच्छा है। अब तुम लोग जाओ, अपने डैडी से आशीर्वाद लो कि तुम सबको जीवन की हर परीक्षा में सफलता मिले। जाओ। ये क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। आज अगर वो हमारे पीछे होते तो कितने खुश होते। ये तो सच है माँ, पिताजी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो सच है कि तुमने उनकी कमी कभी हमें महसूस नहीं होने दी। देखो माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से आज तुम्हारे इस बेटे का गैरेज खूब चल निकला है। सारे घर का बोझ मैं खुद अकेला उठा सकता हूँ, इसलिए अब तुम्हें ये मशीन चलाने की कोई जरूरत नहीं। एकदम करेक्ट। वकालत का इम्तिहान तो मैंने दे ही दिया है, अब रिजल्ट आते ही मैं भी कमाने लगूंगा। और मैं भी अशोक भैया से सिर्फ एक ही साल पीछे हूँ, अगले साल से मेरी कमाई भी शुरू। इन सब बातों का क्लाइमैक्स ये है कि अब आप काम नहीं करेंगे। अरे, काम भी करूंगी तो क्या करूंगी? आराम। मैं मशीन चलाना कैसे छोड़ सकती हूँ? इसकी आवाज तो मेरे लिए संगीत बन चुकी है। इसकी सुई से मैंने सिर्फ कपड़े ही नहीं अपने सपनों को जोड़ा है। तुम लोग कहते हो तो मशीन चलाना छोड़ दूंगी, लेकिन तब जब अशोक कमाने लग जाए। सच में? अरे इसका मतलब अर्जी मंजूर, और इस खुशी में जिसको भी लिफ्ट चाहिए फौरन तैयार हो जाओ, मेरी सवारी गैरेज आ रही। I'll get my books. Wait for me. और भैया मैं? तुम बस में चली जाओ। क्यों क्यों मैं बस में? क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल पर सिर्फ तीन जन बैठते हैं ना। अच्छा ठीक है, कम से कम किराया तो दो। बस का नहीं, टैक्सी का किराया। ये हुई ना बात। थैंक यू। हाँ माँ, बाकी के पैसे तू रख ले। अरे कुछ तू भी तो रख। तू मेरी फिक्र मत कर, गैरेज पहुँचते ही मेरी जेब भर जाएगी। आज सुबह गाड़ी की डिलीवरी देनी है। अच्छा। अरे भाई, जबकि मेरी गाड़ी रेडी है तो उसकी डिलीवरी क्यों नहीं देते? पर मैडम, डिलीवरी देने का काम हमारे साहब का है। अगर तुम्हारा साहब शाम तक नहीं आया तो क्या मैं उसका वेट करते रहूंगी? देखो, मुझे अर्जेंट खंडाला जाना है। ये लो, 300 रुपए थे ना? जी रखो।
पर मैडम अभी टेस्ट होना बाकी है गाड़ी का। शट अप। यस बॉस। लल्लू यहाँ जो गाड़ी थी कहाँ गई? अरे वो मोना आई थी, जबरदस्ती ले गई भाई, लेकिन उसके पहियों के नट बोल्ट टाइट करना बाकी रहे थे। कहाँ गई वो? कह रही थी अर्जेंट खंडाला जाना है। बाप रे मर गए। तो नहीं बच गई उस्ताद। तकदीर अच्छी थी। किसकी? अपनी है इसकी? क्या मतलब है तुम लोगों का? मतलब चार भूखे भेड़ियों के बीच में एक भेड़ फंस जाए तो मतलब बताने की जरूरत पड़ती है। अब आप ये कहेंगी कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं। नहीं? अच्छा तो फिर आप ये कहेंगी कि आज मेरी बेवकूफी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। जी। तो फिर आप ये जरूर कहेंगी कि मेरी वजह से आपके सर पर जो चोट लगी है उसके लिए आई एम वेरी वेरी। मैं आपसे ये कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा ताकि आपकी इस चोट की मरहम पट्टी हो सके। चलना तो आपको मेरे साथ पड़ेगा। हा? मेरी मोटरसाइकिल पर। अब आप आएंगी? आ रही हूँ। बड़ी साई हमारी तकरीर का सारा तस्वीर दिखाओ नी। नो इफ एंड नो बट, एकदम क्लियर कट साफ साफ बताओ नी। सो डैडी क्या मुसीबत है? चाहे किस गैराज में आशा ने गाड़ी दी है अभी तक लेकर नहीं आई। मैंने कितनी बार आपसे कहा एक गाड़ी और ले लीजिए, मगर आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। क्यों सुनो? 1,00,000 रुपया ब्याज पे चढ़ाऊंगा तो 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से 3,000 रुपया घर में आ जाएगा, और अगर 1,00,000 में एक गाड़ी खरीदूंगा तो 2,000 क्लियर कट आउट। मैं तो पंडित जी ये गाड़ी भी बेचने के चक्कर में हूँ। आपकी जो समझ में आए वो कीजिए। लाइए 100 रुपया दीजिए टैक्सी का, मुझे जू तक जाना है। टैक्सी में क्यों, बस में चली जा, 4 रुपए में आना जाना हो जाएगा। चंचल दास जी। सर जी।
ये ले 100 रुपया और छुट्टा करा के 4 रुपया बेबी को दे दे। अरे बिटिया सुनो तो, हम कोरस जी और बिटिया रानी पैसा ले गई। वो पैसा ले गई तो मैं तेरी तनख्वाह से 95 रुपए काट लूंगा। लेकिन वो तो 50 का नोट था ना। तो मैं तेरी तनख्वाह से 45 रुपया काट लूंगा पंडित जी। ये दोनों लड़कियां तो मेरे को कंगाल करके छोड़ेंगी। आप देख कर बताओ कि इन दोनों को मैं विदा कब करूंगा और लाखों का दहेज लेकर मेरी बहू कब आएगी? कब आएगी बहू? आएगी तो बेटा पैदा होगा। ये तो और अच्छी बात है साईं, फिर से लाखों का दहेज अंदर। वो तो बात ही बात है, रेखाएं ये कहती हैं कि उसके पैदा होते ही आप कंगाल हो जाएंगे। कंगाल? अरे नहीं साईं नहीं, कुछ करो। अब मैं कंगाल नहीं होना चाहता। कराची से 2 इलाची लेकर चढ़ा था, पेट काट कर धन जमा किया, अब मैं क्लियर कट कंगाल नहीं होना चाहता। ये क्या लिख दिया? ये विधाता का लेख है क्लियर कट, इसे कोई नहीं मिटा सकता। राम भला करे आपका। हाय, आपके लिए एक फैंटास्टिक न्यूज लाया हूँ। क्या? एक महात्मा जी ने मुझको कहा जल्द ही तुमको बेटा होगा। इस उम्र में चेहरा तो देखो, मुझको डैडी आपको नहीं। उन्होंने मुझको कहा जब तुमको बेटा होगा तो तुम फौरन करोड़पति बन जाओगे, इसलिए मैं फौरन शादी करूंगा, फौरन बच्चा पैदा करूंगा और फौरन करोड़पति बन जाऊंगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फौरन 2 रुपया देकर रवाना करो। 2 रुपए? शेर जी 2 रुपए अपने पास ही रखिए और इन 2 रुपयों की इलायची खरीद कर कराची से वो भी अपने पास रखिए। मैं जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरे 2 रुपया तो बचे। गंगाराम क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था क्या आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दीजिए। अरे बाबा तुझे पता नहीं तू क्या कह रहा है? तू मुझे लड़कियां नहीं अपनी चिता के लिए लकड़ियां ढूंढने को कह रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो क्लियर कट मार रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी ज्योतिषी महाराज आए थे ना तो कह रहे थे। अरे तुम चुप रहो जी, तुम चुप रहो जी। ये क्लियर कट मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बेटा ज्योतिषी महाराज ये कह गए कि तू शादी के मंडप पे जैसी दुल्हन के साथ साथ पेड़े लेने लगेगा तो तू रो रहे क्या? हंस रहे? रो रहे हैं जी, रो रहे हैं। रो रहे? रोना नहीं रहती, रोना नहीं। वैसे तो मरना सबको ही है पर आपने इतना जीना था जी लिया। मैं अपने मरने की बात नहीं, तेरे मरने की बात कर रहा हूँ, साथ पेड़े लेने के बाद। और फिर तू वैसे मेरा केड़ा पुत्र है। अरे जवानी में मरते वक्त तो वैसे ही बड़ी तकलीफ होती है बेटा। मुझे मरना नहीं है। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं आई। गलती मेरी थी और सजा इनको मिली। नहीं माँ, गलती तो मेरी थी। गाड़ी तैयार करने के बाद पहियों के नट बोल्ट टाइट कर देना चाहिए था मुझे। गैरेज वालों ने मुझे काफी रोका लेकिन मैं जबरदस्ती गाड़ी लेकर चली गई। गलती मेरी ही थी माँ जी, गलती किसी की भी हो। इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई, वरना इतने बड़े बाप की बेटी हमारी इस छोटी सी कुटिया में क्यों आती? दौलत से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन दुनिया तो दौलत को ही सब कुछ मानती है। मान लो अगर मेरी इज्जत लुट जाती तो दौलत क्या कर सकती थी? मेरी इज्जत तो वापस नहीं आती ना। मेरी नजर में सबसे बड़ी दौलत तो ये है जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई। इसने तो बहुतों को बचाया है। हाय डैडी, हाय हाय हाय, मैं डैडी। आज हमने यमराज को चूना लगा दिया। बड़ा अच्छा किया चूना लगा दिया। बड़ा अच्छा ही किया, हमने शादी कर ली। शादी कर ली डैडी? अगर हम 7 फेरे लेते तो मैं मर ही जाता, इसलिए हमने 7 फेरे लिए ही नहीं, हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। यमराज डाल डाल तो मैं पात पात। अब हमें होलसेल में आशीर्वाद दीजिए। हम कह रहे हैं कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा ही नहीं सकता। चुप करो जी, ये किस किस्म की शादी है? ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना बाजा है, ना बाजी है। ये सब नहीं हुआ तो क्या हुआ डैडी? हमें इतनी अच्छी भाभी तो मिल गई। क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? आओ भाभी अंदर चले। अरे भैया तुम भी आओ ना। अरे अंदर किसको ले जा रही है? पाला बोल डैडी। अच्छा ज्यादा नहीं खींचा। चंचलदास। हाँ सर जी। अब तो मुझे बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। राम 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 राम। ये आप क्या कर रहे हैं सर जी, इस उम्र में और बच्चा? अरे पगले, अपने बच्चे की बात नहीं कर रहा, गंगू के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और रास्ता बंद, क्लियर कट। क्या? नो पार्किंग। अमर अमर, मेरी गाड़ी फिर से खराब हो गई, चलो ना। तुम्हारी गाड़ी इसी तरह खराब होती रहेगी क्योंकि तुम्हें उंगली करने की बहुत बुरी आदत है।
तुम अपने लिए ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? गुड आइडिया, लेकिन मुझे ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छा मैकेनिक भी चाहिए, इससे मेरा इंजन भी ठीक रहेगा, है ना? सही कहा। लल्लू तुम मेम साहब के साथ जाओ, देखो उनकी गाड़ी को क्या हुआ और इधर लेके आओ। अरे नहीं सुनो लल्लू, तो मेरी गाड़ी ठीक नहीं होगी, तुम चलो ना प्लीज। मेरे पास टाइम नहीं है। चलो ना प्लीज, क्यों इतना भाव गा रहे हो? मुझे और भी गाड़ियां ठीक करनी है, इसलिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। गैरेज ओनर अमर और ये मेरी बड़ी बहन रीता। बहन? अजीब इत्तेफाक है, तुम्हारी बड़ी बहन मेरे बड़े भाई के साथ? क्या? इसमें हैरान होने की क्या बात, बड़ी बड़े के साथ, छोटी छोटे के साथ? अब चलो भी, लेट देम एंजॉय। एंजॉय योरसेल्फ। सुना नहीं भैया ने क्या कहा? अरे आओ आओ खोटे राम जी, और सीधे ऊपर चले जाओ। हाँ जी। और सुनो, जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, खोटे का कमाल तो देखिए। जितकार है। अरे हाँ करा सेठ जी, अगर गंगाराम की तबीयत खराब है तो डॉक्टर खरे को बुला लेते, ये कंपाउंडर खोटे को काहे बुला लिया? अरे चंचल दास, छोटे ही खोटा काम करे है। वो पहले गंगाराम को इंजेक्शन देकर बेहोश करेगा और उसके बाद नस कट, क्लियर कट। नहीं बचा कट, और उसके बाद हम क्लियर कट सेफ हो जाएगा। सेफ मुबारक हो, मुबारक हो। औकात में रहे, औकात में, हाथ जेब में डाले। आज की रात नया चांदड़ेगढ़ आई है। डैडी ये अचानक क्या हो गया उनको, कंपाउंडर उनके कमरे में क्यों गया? अरे चिंता की कोई बात नहीं है साईं, गंगाराम की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, कंपाउंडर खोटे के अंदर जाते ही कट, मेरा मतलब है सब क्लियर कट ठीक हो जाएगा। तू अंदर जा, फिकर की कोई बात नहीं है, जा नाचो। आज की रात नया चांद लेकर आई है, आंख बड़ आई है। मैं भी तो ये लो पूरे हजार हैं, मामला समझ गए ना? हाँ खोटे खोटा काम बहुत जल्दी समझ जाता है। उनसे जाके क्या कहोगे? कि हजार रुपया ले लिया। नस के बारे में कौन बोलेगा, तेरा बाप? नहीं नहीं कह दूंगा कि नस कट। समझदार हो, बड़े समझदार हो। डॉक्टर खरे का कंपाउंडर हूँ ना, इसलिए खरा खोटा सब समझता हूँ। चल चलो, चल चलो, चल चल। 900 में पटा लिया। मिस्टर ललवानी वड़ी, मैं भी तो सिंधी का बेटा हूँ। नया चांद लेकर आई है, अकबर आई है। जी अरे तू आदमी है कि शैतान है? क्या मतलब? अरे अभी क्या था, अभी आ गया। अरे मामूली सा तो काम था, एक ही झटके में हो गया। मतलब क्लियर कट सफा चट। अरे अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन। माँ जी आज से मैं कटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। अरे तू इतने बड़े घर की लड़की है, कटिंग क्लास ज्वाइन करके क्या करेगी? सिलाई सीखने के लिए? अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ। अरे अरे सुनो तो, अगर सिलाई सीखनी है तो कटिंग क्लास ज्वाइन क्यों करो, मैं सिखा देती हूँ। अरे यही तो मैं कहना चाहती थी, मुझे आज ही से सिलाई सीखनी है। अरे आपके उठिए ना। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये खींचतानी क्यों चल रही है? जब देखता हूँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। भाई ये मैं पीछे पड़ गई है कि इसे सिलाई सिखा दो। तुम बुरा मत मानना माँ, मगर इसके पीछे पड़ जाने की बहुत बुरी आदत है। तुम बुरा दोगे नहीं माँ। माँ मैं औकात के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ। अच्छा? अरे हाँ, हाँ भैया असली बात बताना तो भूल ही गए, आशा के डैडी ने इन्हें 4,000 रुपए महीने की नौकरी दे दी है। अच्छा? अरे तो फिर मिठाई का डब्बा लेके क्यों खड़े हो, ये मुझे दे दो और फौरन माँ के पैरों में झुक जाओ। माँ ठीक है, ये लो माँ। आशा तुम तो नहीं खाओगी ना, वजन कम कर रही हो। देखो एक बार मेरी उंगली। मिठाई पर तो हमारा भी हक है भाई। हाँ हाँ जा बेटी मुंह मीठा करा दे। आपका हक तो है ही चाचा जान, अगर आप न होते तो माँ को घर बैठे बैठे सिलाई का काम कैसे मिलता, फिर ना जाने काम के लिए उन्हें कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। हाँ भाई साहब आपने हमें बहुत सहारा दिया है। सहारा तो वो देता है बहन, इंसान तो सिर्फ जरिया होता है, जैसे अमर मिठाई खिलाने का जरिया तुम हो। अरे मैं तो भूल ही गया था, माफ करना चाचा जान। चाचा जान माँ ने हमसे एक वादा किया था कि जैसे ही हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ये सिलाई करना बंद कर देंगे, इसलिए आज से
आप ये कपड़े नहीं लाएंगे तो बेहतर होगा। जिस दिन पहली बार मैं यहां कपड़े लाया था उस दिन दुआ मांगी थी कि ऐ खुदा वो दिन जरूर लाना जब मुझे यहां दोबारा कपड़े न लाने पड़े। चलता हूं। कहां चले चाचा जान? मस्जिद खुदा का शुक्रिया अदा करने। अरे चाचा जान एक खुशखबरी और भी है, सुनिए तो। आशा की बड़ी बहन से अशोक भैया की शादी होने वाली है, कम से कम 5-10 लाख रुपए में तो हाथ साफ कर ही लेंगे। जब नीचे थे तब ऊपर की सोच रहे थे और अब ऊपर हो तो नीचे की सोचने लगे। अरे ऐसा सोच कैसे लिया तुमने? तुम्हारी रगों में जिसका खून है, तुम्हारा बाप शंकर वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था जो सिक्कों के बोझ के नीचे दब जाते हैं, और ना ही तुम्हारी मां ने तुम्हें भीख के टुकड़े खिलाए हैं जो तुम दूसरों की दौलत हथियाने जैसी गंदी बात सोचने लगे। शारदा बहन, लगता है तुमने इन्हें शंकर भैया और अपने बारे में सब नहीं बताया। इन्हें बता दो बहन, पीछे का इतिहास इसीलिए तो पढ़ा जाता है ताकि आगे के लिए हम अपनी सोच को सुधार सके, ठीक कर सके। बता दो बहन, बता दो इन्हें। मेरे पिताजी बहुत अमीर आदमी थे, मैं उनकी इकलौती लड़की थी। जब हमने शादी करने की सोची तो मेरे पिताजी ने एक शर्त रख दी कि तुम्हारे डैडी उनके साथ ही रहे, अगर वो मान जाते तो वो मेरे पिताजी की सारी जायदाद के मालिक हो जाते। हर गरीब आदमी करोड़पति की बेटी से शादी करने का सपना देखता है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अगर तुम इस घर में हमेशा के लिए रहना पसंद करो तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। इसका मतलब मुझे घर जमाई बनना पड़ेगा? करोड़पति का घर जमाई बनना भी शान की बात है। शारदा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। शारदा, ये अपनी किस्मत पे लिखी गरीबी का इंतकाम तुमसे लेना चाहता है, ये तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूं पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम लोग ऐसे खुददार बाप की औलाद हो, तुम्हें तो इबादत की तरह पाक साफ और पवित्र होना चाहिए और अपनी तपस्वी मां की सेवा को ही अपना धर्म समझना चाहिए। खुदाफिस। सेठ जी, आपने अशोक को नौकरी देकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। एक बात क्लियर कर समझ लो साईं, मैं किसी पर उपकार नहीं करता, धंधा करता हूं सिर्फ। धंधा? धंधा वो भी गंदा। कैसी बात कर रहे हैं? मुंडी नीचे कर। मैं? और ये लड्डू खा और मुंडी ऊपर करके मुंह बंद रख। पापा क्या है कि ब्याज का धंधा है, और ब्याज के धंधे में क्या होता है कि जब तो आदमी को पैसा चाहिए होता है तब तो दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन जब पैसा लौटाने की बारी आती है तो सारी की नानी भी मरती है और दादी भी मरती है। फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और सारा वकील खटमल की तरह आपका खून चूसता रहता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि घर का वकील रख लो, तो अशोक बेटा जो है वो कोर्ट कचहरी का लफड़ा संभालेगा। हाँ, मैं बड़े आराम से घर में बैठ कर क्या करूँ? पैसे गिनेंगे और क्या करेंगे? अरे हम कह रहे हैं कि एक बाप आराम से पैसे कैसे गिन सकता है जबकि उसके घर में दो दो जवान बेटियां बैठी हो। तुमने ठीक कहा चंचल दास। बहन जी, अपने अशोक के लिए मेरी बेटी रीटा का क्लियर कट रिश्ता मंजूर करिए। जी पिताजी, रीटा आ गई। अरे आ गई तो मैं क्या करूँ? माँ जी, ये हमारी रीटा बीए पास है। अरे अच्छी बात करता है तो जोर से बोल, उच्च आवाज में। हमारी रीटा बीए पास है, सुन लिया? गुड 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 गुड। ये और अशोक एक दूसरे को चाहते हैं तो शुभ कार्य में देरी का है कि। अरे रीटा, अपने होने वाली सास के पाव पकड़। गिर गया। रीटा को पैर पकड़ने दीजिए। अरे बैलेंस बिगड़ गया था, रीटा पाव पकड़। ठीक ही रे बेटी, लेकिन सेठ जी। हाँ क्या दोनों माँ? ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सेठ जी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का रिश्ता इतने बड़े घर में बनेगा, लेकिन एक बात है सेठ जी। क्या बात है? अगर अशोक इस घर का दामाद बना तो वो यहाँ नौकरी नहीं करेगा। तो मेरा अभी आखिरी फैसला सुन लीजिए। अरे मुझे नौकर तो बहुत मिल जाएंगे, मगर ऐसा फूल सा दामाद कहाँ मिलेगा। बेटा इनके पैर छू। अरे
क्या कर रहे हो? क्या डैडी वो पैर छू रहा है, उसे आशीर्वाद दीजिए और लड्डू खिलाइए। अरे पागल हो गया, असली घी के लड्डू नकली घी के हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? बेटा बैठ जी। मुझे नहीं, उसे खिलाइए। बैठ जी। 1941 में जब मेरी मंगनी हुई थी तो मेरे ससुर ने इसको चने भी नहीं खिलाए थे, और अब मैं इसको लड्डू खिला रहा हूँ। तेरे को तो लड्डू पसंद नहीं है बेटा? पसंद है डैडी। अरे पसंद है, मेरे को भी पसंद है, आता खा। जी गंगा राम देख, जब मैंने 1943 में डांस किया था तो ऐसे किया था। अरे तू ऐसे कर, ऐसे कर। और दूसरी बार जब 1957 में डांस किया था तो ऐसे किया था। अरे नमस्ते बहन जी, भगवान की कृपा से सारा काम अच्छी तरह हो गया। अब आप आशीर्वाद देकर इन्हें यहाँ से विदा कर दीजिए। बहन जी मैं इनको नहीं, आप लोगों को यहाँ से खुशी से विदा कर सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब क्लियर कट साफ है, अशोक अपने राजी खुशी मान गया है कि वो इस घर पे घर जवाई बनकर रहेगा। नहीं ये नहीं हो सकता। अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है बहन जी? हो सकता है, ये देखो मेरे पास एग्रीमेंट है, इसमें अशोक का दस्तखत भी है, और मैं लालवानी कोई कच्चा काम नहीं करता होता। अशोक इससे फर्क क्या पड़ता है माँ? मैं चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ, रहूंगा तो तुम्हारा बेटा ही, चेहरा बदलने से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता। तू मुझे रिश्ते की बात बताएगा? तू, तुझे तो एक घंटा हुआ है जिंदगी में पहली बार एक रिश्ता बनाए हुए, और तू उसे रिश्ते की बात समझाना चाहता है जो एक माँ है, जो रिश्ते बनाती है, जो रिश्तों को जन्म देती है। चुपचाप चल घर यहाँ से, वैसे भी घर जवाई बनकर रहना किसी को शोभा नहीं देता। ये सब पुराने आदर्श है माँ, मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि अब मैं यही रहूंगा। अगर तेरे मन में यही था तो पहले कह देना चाहिए था कि तू ससुराल में बस जाना चाहता है। मैं तेरे हाथ पांव में मेहंदी रचाकर तुझे दुल्हन की तरह सजा देती। बेशरम, तूने इतना भी नहीं सोचा कि तू किस बाप की औलाद है। उसे भी ऐसा ही कहा गया था, लेकिन उन्होंने करोड़ों की दौलत को ठोकर मार दी, और एक तू है। अगर बेटी बिकाऊ हो जाए तो मां सोचती है कि बेटा क्यों नहीं हुआ, अगर बेटा बिकाऊ हो जाए तो मां सोचती है कि उसे जन्म देने से पहले वो बांझ क्यों नहीं हो गई। अशोक भैया चलो घर चलते हैं, वरना लोग क्या कहेंगे? बारात निकली थी बहू लाने और बेटा गवा कर लौटी, सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो उड़ाने दो हंसी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और तुम भी याद रखो, हम लोगों के बीच बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अपनी औकात पर रहना सीखो, समझे? अशोक ये मत भूल, ही तेरा भाई है, वो भाई किसने मेहनत करके तुझे रोटियां खिलाई है। ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है माँ, जो आदमी दूध को भूल सकता है उसे रोटी कैसे याद रह सकती है। देख रही हो ना माँ, ये छोटा सा आदमी मुझ पर एहसान जता रहा है। अगर पिताजी ने नाना जी का कहा मान लिया होता तो आज हम भी करोड़पति होते, फिर सब कुछ होता हमारे पास, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ। फिर हमें पैसे पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ता, और न ही इसका एहसान लेना पड़ता। और जिन पिताजी को तुम महान और खुददार समझती हो, मेरी नजर में वो सबसे बड़े बेवकूफ थे। जिस तरह आप अपने पति की बेइज्जती नहीं सहन कर सकती, उसी तरह मैं भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी माँ का हाथ छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ माँ का हाथ छोड़ दो। भाभी आज तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये क्या माँ, तुमने फिर से सिलाई शुरू कर दी? मैं सारा बोझ तुम अकेले पे नहीं डालना चाहती बेटे, पता नहीं विनोद को कब नौकरी लगेगी। नौकरी तो आज भी मिल सकती थी माँ, बहुत अच्छी नौकरी, 4,000 रुपया महीने की तनख्वाह। 4,000 रुपए? हाँ अमर, लेकिन बीच में एक अड़चन है, काम बहुत जिम्मेदारी का है माँ, उन्हें 50,000 रुपया डिपॉजिट चाहिए। क्या 50,000 रुपए? हाँ, लेकिन इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? भूल जाए ऐसी नौकरी। ऐसी नौकरी बार बार नहीं मिलती माँ, सोचो 4,000 रुपए तनख्वाह। अरे बेटे लेकिन 50,000 रुपए लाएंगे कहाँ से? ये लो भैया, भैया इन्हें बेचकर तुम 50,000 रुपए जमा कर दो। शीला ये गहने तो तुम्हारी शादी के लिए है। माँ एक बहन के लिए सबसे अच्छा गहना तो राखी है, राखी की लाज बचे बस,
ऐसे कहने तो बाद में बन जाएंगे। अरे पगली, राखी की लाज बचाने की जिम्मेदारी भाइयों की होती है। ये गहने बाजार में नहीं बिकेंगे। और विनोद भैया, कल सुबह तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैं 50,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन पहले तो आप 70,000 रुपए देने के लिए तैयार थे और आज आप सिर्फ 50,000 दे रहे हैं। भाया, पहले मेरी जरूरत थी तो मैं 70,000 दे रहा था, अब तेरी जरूरत है तो 50,000 रुपए दूंगा। और मुझे मालूम है कि तू मान भी जाएगा, क्योंकि कल सुबह तक किसी भी हालत में तुझे 50,000 रुपए चाहिए और बाजार से तेरे को 50,000 रुपए कोई नहीं देने वाला। हाँ, आप गैरेज की नहीं मेरी मजबूरी की कीमत लगा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। नहीं अमर, अमर तुम ये गैरेज मत बेचो, चलो मेरे डैडी के पास। मैं उनसे कहूंगी कि ये गैरेज गिरवी रखकर तुम्हें 50,000 रुपए दे दें। नहीं आशा, ये गैरेज मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और मैं यहाँ काम पूजा की तरह करता रहा हूँ। मंदिर के रखवाले तो बदलते रहते हैं लेकिन मंदिर कभी गिरवी नहीं रखा जाता। लेकिन अमर, देखो आशा, इनको मैंने अपनी मजबूरी बता दी तो इन्होंने कीमत गिरा दी। तुम्हारे डैडी का अगर मैं एहसान लूंगा तो वो मुझे अपनी नजरों से गिरा देंगे। लेकिन अमर, कम से कम इतना तो सोचो कि अगर ये गैरेज नहीं रहेगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास। आशा, अरे तुम जो हो मेरे साथ, हम फिर से एक नया गैरेज बनाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारा गैरेज नहीं बिकने दूंगी। क्यों, सारे पैसे लौटा दो। मगर माँ, ये भाई साहब की 4,000 की नौकरी का सवाल है। नौकरी बाद में भी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी माँ, इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। गैरेज तो फिर भी दोबारा खरीदा जा सकता है। दोबारा कहाँ से लाएगा पैसे। मैं किसी दूसरे गैरेज में इतना काम करूंगा कि घर का गुजारा अच्छी तरह हो जाएगा और फिर भाई साहब की पूरी तनख्वाह भी बच जाएगी। साल में हम 2 कम 50,000 रुपए बचा ही लेंगे माँ। अमर ठीक कह रहा है माँ, फिर हम अमर को दोबारा गैरेज खरीदवा देंगे। माँ, मेरा पसीना ही तो मेरे भाई के काम आ रहा है और उसमें भी तुम मुझे रोक रही हो, जबकि मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे खून की हर एक बूंद इनके काम आ जाए। लेकिन माँ, तुम्हें मेरी कसम, मुझे आशीर्वाद दो। ये लो भैया। शो As like. चरस, गांजा, ब्राउन शुगर सप्लाई करना। लेकिन मैंने पहले तो कभी ये काम किया नहीं है। अब कर लो, हम सिखा देंगे, हजारों कमाओगे, उसमें से 4,000 घर दे देना। क्यों, ठीक है ना? क्या सोच रहे जी? जी, मुझे मंजूर है। वेरी गुड, आओ मेरे साथ। कहिए हुजूर। आइए अब्दुल्ला से। भाई हमारी गाड़ी ठीक हो गई? जी आप ही के गाड़ी का काम हो रहा है और शाम तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। देखिए शाम तक मिल भी जाएगी, यूं ही कह रहे हैं। चलिए मैकेनिक से पूछ लेते हैं। चलिए आइए। क्यों भाई अमर, शाम तक इनकी गाड़ी मिल जाएगी ना? बस साहब, थोड़ी देर में हो जाएगी। अरे अमर बरखुरदार, तुम यहाँ? तुम्हारा तो भाई अपना गैराज हुआ करता था। बस एक के बाद एक मुसीबतें आ पड़ी इसलिए गैरेज बेचना पड़ा। अब मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूँ। अरे भाई, इसलिए तो कितनी बार कह चुका हूँ कि दफ्तर आओ, 2-4 साल के लिए दुबई भेज दूंगा, लाखों पति हो जाओगे मियाँ। अब्दुल्ला सेठ, क्यों हमारे आदमी को उल्टा पति पड़ाता है? बड़ी मुश्किल से तो एक अच्छा मैकेनिक मिला है और उसे तुम दुबई भेजना चाहते हो? भाई अरे देखो तो सही, सुबह से इसने 3 गाड़ियां स्टार्ट कर दी। ये हाँ, मैं इसका हुनर, इसका फन जानता हूँ, इसलिए तो उसको दुबई भेजने के लिए कह रहा हूँ। नहीं साहब, मुझे धन दौलत नहीं, अपना परिवार प्यारा है। अपने माँ भाई बहन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता। देखो अमर, चलिए आपको चाय पिलाते हैं। भाई देखिए शेखर, मेरा शर्त यह है कि चाय पियेंगे तो उसके बाद पान भी खाएंगे। अरे पान के साथ तंबाकू भी पिलाते हैं। आइए तो सही। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन अमर। अरे ये तो डॉक्टर लगता है, आइए। इसको क्या हुआ इस तरह? अरे बेटा गंगाराम, इधर तो आ बेटा। जी पिताजी। अरे गंगाराम, ये डॉक्टर काय को आया है? वो शोभा को उल्टियां हो रही है। बड़े गया। अरे हम कह रहे हैं सर जी, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अरे मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है, कहीं उसके पेट में मुझे कंगाल बनाने का नुस्खा तो नहीं बन रहा। अरे कैसी बात है सर जी, खोटे ने तो नस काट दी थी, क्लियर कट।
चंचलदास आगे से तूने मेरा डायलॉग बोला तो तेरी पगार में से 5 रुपए क्लियर कट काट दूंगा। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? सेठ जी बताइयो, आप दादा बनने वाले हैं? अरे मैं छोटा मोटा सेठ ही बहुत हूँ, मुझे गली का दादा वादा नहीं बनना। डॉक्टर साहब आपका बेटा बाप बनने वाला? सेठ जी किसका बाप बनने वाला है जी? बच्चे का सेठ जी। पिताजी ये कैसे हो सकता है गंगाड़ा? क्यों नहीं हो सकता है पिताजी, अगर शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, फिर बच्चे के भी बच्चे होंगे, फिर उसके भी बच्चे। अरे चंचल आप देख रहा है मेरा बेटा मरने से पहले मुझे बधाई दे रहा है, मैं तो लगता मर जाऊंगा। मर गया जी मैं तो। ये क्या हुआ चंचल दास? लगता है सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया। ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई, इनके क्रियाक्रम पे अब खर्चा करना पड़ेगा। अरे हमेशा खर्चे की बात क्यों करता है, चैन से मरने भी नहीं देता मेरा बेटा चंचल दास। चढ़ मुझे दिखाई दे। अरे चंचल दास। हाँ सेठ जी। ये साबुन के 40 रुपए और फिनाइल के 30 रुपए काय को लिखे हैं सारे इसमें? अरे सर जी हम कह रहे हैं ये दुकान वाले हमारे बाप लगते हैं जो मुफ्त में दे देंगे। अरे गधे ये जो दरवाजे पढ़ाते हैं कि हमारा साबुन ले लो जी, हमारा फिनाइल ले लो जी, उनसे नहीं ले सकता था? उनको कह देता कि बाप पर के आपको बताएंगे, पैसे बच जाते। ये 40 और 30 हो गए 90 रुपए, ये मैं तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। पैर दबाओ पैर दबाओ। ये आगे क्या लिखा है? ब्लाउज कुर्ते पजामे के लिए इतने सारे कपड़े देने की क्या जरूरत थी? बिना स्त्री के कपड़े ने... क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मैं केस हार गया। क्या? फिर से केस हार गया? पूरे 5 लाख का नुकसान कर दिया। देखा देखा चंचलदास गंगाराम का बेटा पेट के अंदर है लेकिन माल बाहर जाना चालू हो गया। अरे हम कह रहे सरकार जब वो बाहर आएगा तो आप अंदर हो जाएंगे। अरे ठीक कहते हो तुम, वो सचमुच मनहूस है, बिल्कुल मनहूस है। डैडी नाड़ा संभाल के बात करना, वरना नाड़ा अलग और आप अलग। आप मेरे बेटे को मनहूस हरगिज नहीं कह सकते। अरे कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। उसके लक्षण अभी से बताते हैं कि वो बाहर आते ही मुझे कंगाल कर देगा, क्लियर कट, और मैं माला माल हो जाऊंगा फटाफट। जा जा जा, अगर तेरे बेटे राहुल ने तेरा साथ दे भी दिया तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि अपने घर में शनि बैठा हुआ है, अपना जमाई बाबू जो आज फिर से केस हार कर आ गया। आप बार बार इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? जहां तक कोशिश करनी थी वो तो मैंने की। अरे तेरी कोशिश का मैं क्या करूं? अचार डालू, मुड़प्पा बनाऊं, क्या करूं? डैडी आपको क्या हो गया है, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ जी, और आप भी सुन लो जमाई साहब उर्फ शनि महाराज, आप ससुराल की रोटियां बहुत तोड़ चुके हैं, अब हमें मुक्ति दीजिए, चले जाइए यहाँ से, क्लियर कट। डैडी आप इनका अपमान कर रहे हैं। अरे जिसे अपमान का डर होता है वो घर जमाई नहीं बढ़ता है। लेकिन आपके लिए ही तो मैंने इन पर जोर डाला था। शादी के बाद जब बेटी बहू बन जाए तो उसे महके वालों का नहीं ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए, और जो लड़की ऐसा नहीं करती उसे एक ना एक दिन मैके में सब कुछ सहना पड़ता है जी। रीता आप यहाँ टेंशन के लिए और कुछ रह गया? चलो यहाँ से। लेकिन जाएंगे कहाँ? दीदी तुम सीधी अपने ससुराल चले जाओ। किस मुंह से अब हम वहां जाएं? माँ की मर्जी खिलाफ यहाँ आकर हमने उन्हें दुख दिया, उनका अपमान किया। मुझमें तो अब इतनी हिम्मत नहीं कि उनसे नजर भी मिला सकूं। माँ का दिल बहुत विशाल है, तुम उनसे माफी मांग लेना, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगी। नहीं मैं तो इस लायक ही नहीं रहा कि उनसे माफी भी मांग सकूं। चलो रीटा। ऐसे ही कुछ सामान तो ले ले। नहीं यहां से अब और कुछ नहीं लेना, मेरे साथ चलना है तो वैसे ही चलो जैसी हो। दीदी तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है, अब और देर मत करो प्लीज। हाँ अब और देर नहीं करनी चाहिए, तुमने मुझे पहले भी समझाया था, अगर तुम्हारी बात मैंने मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मैं न बहू रही और न ही बेटी। चलिए। अरे तू क्या कोई इमोशनल होता, चल पैर दबा।